कोई न जग में देखा तुम जैसा रूप निधान, कितना ये तुम्हें सुहाना रूप दिया भगवान। सामने सब राजाओं के रूप फीके पड़ जाएंगे। अब देवर्षि नारद और अपने सर को उठा करके बैठ गए कि अब राजा लोग हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, ये भोले बाबा के गढ़ हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो अब हम तारीफ के लायक हैं, तभी तो कर रहे हैं। लेकिन जननाई पतो के हमारा स्वरूप जो है वो बंदर को हमारी मजाक बनाए। क्या बोले? कोई न जग में देखा जैसा रूप निधान, कितना ये तुम्हें सुहाना रूप दिया भगवान। देखे ये रूप तुम्हारा स्वामी।
ये रूप सुहाना तुम्हें दिया भगवान। बातचीत हो रही है, तब तक वो कन्या जयमाला लेकर के अंदर से निकली। तो भोले बाबा के गढ़ कहने लगे, महाराज अब आप हमसे बातें मत करो, आप हमसे बातें मत करो। बोले क्यों? बोले वो लड़की देखो निकल के जा रही है, आप संभल के बैठो। और क्या बोले? बैठो संभल के देखो, आते राजवाला बैठो, जय माला लड़की। हाय धीरे 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 गेट से निकल करके चली। और कैसे चली सहदेव? के धीरे धीरे बिटिया चले भाई नर प्यार, कोई सभा में से उठ के एकदम से खड़े हो जाते। लड़की आती है, वो विश्वमोहिनी नाम की जो लड़की होती है, एकदम से आती है और देवर्षि नारद की तरफ तो उसने बिल्कुल देखा ही नहीं, क्योंकि उसे वो तो माया है और माया को अपना जाल फैलाना है। देवर्षि सोचने लगे, हो सब काम खराब हो गया, सब मामला चौपट हो गया। बोले कैसे? बोले लड़की ने लग रहा कि हमारी तरफ बिल्कुल देखा ही नहीं। बोले लड़की ने हमारी तरफ बिल्कुल देखा नहीं है। अब दूसरे राजा की तरफ वो लड़की जब जाती है, हाय मेरे प्यारे बंधुओं, राजा एकदम से उठ करके खड़ा होता है। लड़की ने जयमाला उठाई और राजा के गले तक पहुंचाई। देवर्षि नारद को ऐसा पता चला मानो हजार बिच्छू ने डंक चुभो दिए।
लेकिन लड़की ने जयमाला फिर वापस कर ली। अब देवर्षि नारद की तरफ को चली तो देवर्षि नारद बड़ा संभल कर बोले, मुझे तो पहले ही पता था कि लड़की किसी की तरफ जा ही नहीं सकती। संभल के बैठ गए, अब सर को झुका भी लिया, लड़की जयमाला लिए हुए हाथ में खड़ी है और देवर्षि नारद सर झुकाए खड़े हैं। मेरे प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, उस समय देवता लोग ठहाका मार मार के हंस रहे के देखो देवर्षि नारद को कैसो भूतरा चढ़ो विवाह को। हाँ, और मेरे प्यारे भक्तों, देवर्षि नारद ऐसे कर रहे थे जैसे अपने ही हाथों से पकड़ के लड़की के हाथों से छीन के अपने गले में जयमाला डाल लेंगे। लेकिन बस नहीं है, विवाह तभी सिद्ध होगा कि जब लड़की जयमाला गले में डाले। लेकिन लड़की ने जयमाला नहीं डाली। मेरे प्यारे भक्तों, वहीं पर भगवान नारायण जी बैठे हुए हैं, उनके गले में उस लड़की ने जयमाला को पहना दिया। अरे भैया, देवर्षि नारद को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। और मेरे प्यारे भक्तों, जब देवर्षि नारद को क्रोध आता है, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, भोले बाबा के गणों की तरफ देखा, कहने लगे, अरे भोले बाबा के गणों, तुमने सबसे ज्यादा मेरा उपहास किया है। और क्रोध में आकर के देवर्षि नारद उन भोले बाबा के गणों से क्या बोले कि तुमने जो हंसी उड़ाई, तुमने जो हंसी उड़ाई, अरे मैं देता भारी श्राप, तुमने जो हंसी उड़ाई। आपने ये बहुत हमारे साथ अन्याय किया, अरे हम तो आपको याद दिलाना चाहते थे कि आप कौन हो, क्या करने के लिए जा रहे हो। देवर्षि नारद कहने लगे, कुछ नहीं, अब मेरे लिए जाने दीजिए, मैं नारायण भगवान को किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। मेरे प्यारे भक्तों, श्राप देने के बाद देवर्षि नारद
क्षीर सागर में आते हैं। क्षीर सागर में मेरे भाई बहन, और एक बात तुम्हें और बताएं सहदेव, जब प्रेम की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि इससे कोई बच नहीं पाया। तो प्रेम बुरी जंजीर तीर तुम छूट मत मानो, नहीं जात कछु बेस बुरी बीमारी जाय जातो। करके पहुंच गए। हाय हाय, भगवान विष्णु जी बैठे हुए हैं, उनके साथ में श्री लक्ष्मी जी, और श्री लक्ष्मी जी के बराबर में और कोई नहीं, वही विश्व मोहिनी नाम की लड़की, और देवारी सिनारद की आत्मा झुलस गई। बोले आज ये देखो इनके साथ में है, इन्हें मेरे साथ में ऐसा करना चाहिए। अरे आज ये मेरी पत्नी होती, मैं इनके पास आया होता अपनी पत्नी को साथ लेकर के। मेरे प्यारे भक्तों, अब नारायण भगवान कहने लगे, अरे देवर्षि नारद क्या बात है। तो देवर्षि नारद झुंझला करके क्या बोले सहदेव, अरे जो हमने बेवफाई तुमसे पा